2024 आते ही मौसम ने अपना रंग बदल लिया है। लगातार गिरते पारे के बीच बारिश की बूंदों ने ठंड और बढ़ा दी है। साल के पहले बुधवार को मौसम ने अचानक करवट ली और बारिश के साथ बादलों की गड़गड़ाहट ने लोगों को घरों में कैद होने पर मजबूर कर दिया। इससे पहले साल के पहले दिन सोमवार को सीजन का सबसे कम न्यूनतम तापमान 8.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। दूसरे दिन मंगलवार को 10 डिग्री सेल्सियस हो गया। वहीं मौसम विभाग ने पूर्वानुमान व्यक्त किया था जो बिल्कुल सटीक बैठा। गरज और चमक के साथ बुधवार को जनवरी की पहली बारिश हुई। यूपी के कई जिलों में बारिश की तस्वीरें सामने आई। कानपुर में ओले गिरने की भी तस्वीर सामने आई जिसने ठंड और बढ़ा दी। अलग अलग जिलों में हल्की हवा के साथ ठंड और बढ़ गई है। रुक रुक कर बारिश हो रही है। कौशाम्बी और जौनपुर में भी हल्की बारिश हुई। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार चक्रवाती हवा की वजह से ये बारिश हो रही है। मौसम विभाग का कहना है कि गुरुवार और शुक्रवार को भी कई जिलों में बारिश की संभावना है। 48 घंटे तक कोल्ड डे की स्थिति बनी रहेगी। घना कोहरा भी छाए रहेगा। वहीं पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर जिला सबसे ठंडा रहा है, जहां पर न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड दर्ज किया गया। राजधानी लखनऊ में बुधवार सुबह तेज बारिश शुरू हो गई। खुर्रम नगर, विकास नगर, इंदिरा नगर और गोमती नगर समेत कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई। बारिश ने ठंड भी बढ़ाई। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर पूर्व बिहार के ऊपर एक चक्रवाती दबाव बना हुआ है। इसी तरह एक दबाव हरियाणा और आसपास भी केंद्रित है। उत्तर प्रदेश के मध्य भाग में दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश तक एक ट्रफ लाइन भी बनी हुई है। इस वजह से प्रदेश में छिटपुट बारिश की संभावना जताई जा रही है। इसीलिए लोगों से अपील है कि अगर ज्यादा जरूरी हो तो ही घर से बाहर निकलें और गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।